तो गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। रीना सब फैमिली में आप लोग सबको स्वागत है। तो आज हम अपना ब्लॉग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कहीं जा रहे हैं, मतलब रेक थी सब उलट में रहे। तो हम लोग जा रहे हैं, मेरे बगल का गोमा है, उसका पति गाड़ी चला, मेरा बेटा गाड़ी चला रहा। हम लोग जा रहे हैं गेंदापुरा। तो वहाँ मंदिर है, काली जी का मंदिर है। तो वहाँ का कुछ हम आप लोग को बताएंगे, वहाँ पहुँच के हम बताएंगे जो वहाँ किस लिए हम जाते हैं। हमको जब भी समय मिलता हम जाते हैं। हम चलिए वहाँ जाके हम आप लोग को बता दें। मेरे साथ में कौन कौन है? आप लोग ये दुगो बंदर मेरे साथ में है, देख रहे कितना आराम से टोटो में बैठ के है। हाँ हाँ, तू लोग पकड़ना बेटा ना, गोदी ले लेंगे तू लोग। पहले तुम पीछे बसो। हाँ খারাপ রাস্তা দেখবো না তখন কোলে নিয়ে নিলো এটাকে। তো চলি লোক যা কাহা পাপা হাই তো লোক পুরো মস্তি করতে করতে যা রাখি টোটো বৈঠা হ্যাঁ সবসে জাদা খুশি হতা লোক টোটো বৈঠ কে। তো চলি গাইস ওহা যা কে বতা রে। तो मेरा पूरा ब्लॉक में बने हुए रहिए। रे रोज तो हम लोग मंदिर आ गए हैं, पूजा में सब बैठे हुए, प्रसाद काट हम दे दिए हैं। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए, हम लोग घर जाने में लग रहा है। एक बज जाएगा, दो को बच्चा मेरा कुछ नहीं खाया है, पता नहीं कितना लेट होगा नहीं होगा। मंदिर हम लोग जाएंगे तब फिर ब्लॉग बनाएंगे। देख रहे तो गाइस जैसे यहाँ का हम आप लोग को बता रहे, मतलब क्या बताएं, जब हम शादी करके आए तो मेरा भी बच्चा ही कुछ नहीं हो रहा था। तो मेरा सास को कोई बोला जो केंद्रपुरा में अपना बहू को दवाई खिला दे कि वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आता है, तेरा भी बहू नहीं आएगा। तो माँ बोल के बोले ठीक है। तो हम विश्वास नहीं करिए, हम कोई भी डॉक्टर हम नहीं देख रहे हैं, हाँ मैं ही आए दवाई लेने के लिए। हर महीना हम दवाई ले कर जाते थे यहीं से। आए शुरुआत में तो बहुत तकलीफ हुआ, पूछ पूछ के हम लोग पति पत्नी दोनों आए। तो फिर जब आए यहाँ तो फिर दवाई हर महीना हम लेके गए। तो विश्वास नहीं कर, ये जो है जो पुजारी जो पूजा करते हैं काली जी का, वो हम लोग को एक साल का गारंटी दिया था जो एक साल तक हम देखेंगे। ठीक, तो एक साल का हम 9 महीना का दवाई हम मेरा घर में रह गया, तब तक मेरा माही आई। माही का भी यहाँ से आप गुड़ लग के जाइएगा तो आपका भी लड़का होगा। यहाँ दोनों का मतलब देन है, माँ दोनों का देन दिया है, जो लड़का लड़की दोनों। आप सिर्फ माथा गोड़ लग के जाइएगा तो आपका होगा। आज जैसे किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो दवाई खाइए, एक साल का गारंटी देगा। तो उम्मीद है एक साल में ज़रूर आप माँ बनने वाले, मतलब बन तो डिस्टर्ब मत करिए, लोग डिस्टर्ब करे तो ज़रूर आप लोग माँ बनिएगा। तो गाइस हम नहीं जानते मेरा ब्लॉग कौन देखता नहीं देखता है, हमको उतना पता नहीं है। यूट्यूबर मतलब कौन कौन है, मतलब यूट्यूब में जो काम करता है, मेरा ब्लॉग कहाँ तक पहुँचाता नहीं पहुँचाता, हमको इस सब का बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन प्लीज़ हम ये चीज़ हम बोलेंगे जो मेरा थोड़ा सा मतलब ब्लॉग कोई आप लोग भी देखिए। आज ई कारण में जो जिसका बच्चा नहीं हो रहा, मतलब बच्चा नहीं हो रहा, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करिए फ़ोन का, यूट्यूब का माध्यम से हमको हमसे कॉन्टैक्ट करिए। तो ज़रूर हम यहाँ ले कर आएँगे। जो जो माँ नहीं बनना चाहे, डॉक्टर देखा रहा, डॉक्टर भी देख ले, यहाँ का भी दवाई खाइए, क्योंकि यहाँ हम 2 बार आए हैं, हम खाली हाथ नहीं गए हैं। तो यहाँ से भी दवाई खाइए। ठीक, और आपको मतलब क्या बोले, यूट्यूब से हमको आप लोग लिखकर कमेंट कर सकते हैं कुछ का भी, जैसे बच्चा नहीं हो रहा दवाई खाएं और कहीं तो नहीं हुआ, डॉक्टर दिखलाए नहीं हुआ, तो प्लीज़ हम एक बार बोलेंगे जो हमसे यूट्यूब का माध्यम से हमसे आप लोग कमेंट करिए। रहा यहाँ आने का, वो हम बोलते हैं जो हम आप लोग को लेके आएंगे। मेरा घर आइए, पता करते करते मेरा घर आइए, हम बोल रहे हैं हम यहाँ लेके आएंगे। और यहाँ से जो भी आए खाली हाथ तो कभी नहीं गए। मेरा भी बहन का देखिए पहला बेटी है, यहाँ से गोल लग के गया बेटा हुआ। यहाँ तक कि हम लोग विश्वास नहीं करिए, हम लोग सोनोग्राफी भी नहीं किए हैं। तो बस यही हम बोलना चाह रहे हैं जो यहाँ का देन बहुत है, बहुत ही भले जंगल है, हम आप लोग को दिखा रहे कितना जंगल का अंदर में मंदिर है। गाइस भीड़ देखिए, ठीक अंदर में तो हम नहीं लेके जा रहे क्योंकि पूजा हो रहा, डिस्टर्ब होगा हम बोलेंगे तो, इसलिए हम बाहर में हम किए। और यहाँ देखिए, यहाँ मानसिक शोध होता है, मतलब यहाँ चूल सब उतारता है जिसका जिसका बच्चा हुआ। मेरा 2 बेटा बेटी हुआ, हम यहीं आके हम चूल उतारे हैं। और देखिए आप लोग देख सकते हैं यहीं आके चूल उतारे, पहला चूल हम यहीं मतलब दोनों बच्चा हम टकला यहीं किए हैं। और देखिए कितना जंगल है, देखिए पूरा घना एकदम जंगल है एकदम।
ठीक देखिए देख रहे पूरे जंगल के अंदर में है। और विश्वास नहीं करिएगा, ये जो पुजारी है जो आपका दवाई देते हैं एकदम इसका कुछ भी लालच नहीं है। आज लालच रहता तो मंदिर आज कहाँ से कहाँ पहुँचता, कितना सुंदर मंदिर लगता है। तो मंदिर भी देख रहे मीडियम मंदिर है, कुछ भी लालच नहीं है। ये वाला आप मतलब दवाई आप यहाँ से लेके जाते हैं, आपका मन है तो 1 रुपया भी दे सकते हैं, आपका मन है तो 1000 भी आप दे सकते हैं। ठीक, तो हम भी आए हैं, मतलब मेरा फ्रेंड का बच्चा कम से कम 6 साल शादी कर हो गया, मैं दीपा का आगे हुआ था, दीपा से आगे शादी हुआ था तो उसका भी बच्चा ही नहीं हुआ। तो हम उसको बोले जे तू एक बार मेरा घर आओ, हम तुमको लेके जाते हैं। तो आज करीब उसका 5-6 महीना हो गया, उसका भी 1 साल का गारंटी लिया, 5 महीना तो हो गया दवाई खाल। तो हम ले आ रही थी तो मतलब पायल, तो हम बोले जी पायल हमको भी लेके चल, का इसका समय नहीं मिलता हमको ले जाने के लिए यहाँ। तो हमने 2 महीना का दवाई लिया, दवाई विश्वास नहीं करिएगा, ये दवाई पहले रानीगंज जाएगा, रानीगंज में उसका मम्मी का हाथ में जाएगा, उसका मम्मी से उड़ीसा जाएगा ये दवाई पार्सल होके। समझ में आ रहा जो उड़ीसा यहाँ नहीं है, कहाँ बंगाल कहाँ उड़ीसा, तो ये दवाई पर पार्सल करके उड़ीसा जाएगा। तो हम भी यही माँ से प्रार्थना करते हैं जी, वो भी जैसे खाली हाथ ना घूरे यहाँ से। ठीक, बेटा हो चाहे बेटी हो कुछ भी हो, जैसे उसका भी कोख भर जाए। हम तो माँ से यही प्रार्थना कर, जो मुँह से लेके आए वो मुँह में रखे। अरे इतना तक जानते यहाँ से तो खाली हाथ तो कोई नहीं आए, कोई नहीं घूरा खाली हाथ। अब देखते हैं गाड़ी, कोई आसनसोल से आया, गाड़ी भी हम आप लोग को दिखा रहे हैं, कोई आसनसोल से आया है। ई कहाँ से आया नहीं नहीं पता ये गाड़ी, लेकिन ई गाड़ी आसनसोल से आया है। कहाँ कहाँ से दूर दूर से आते हैं सब। भीड़ देखते हैं मंदिर में, भीड़ देखिए, आज अमावस्या है इसी भी है, तो भीड़ तो होवे करेगा। माँ काली का सुंदर खेल रहा है, देखिए हाँ तुम्हें अच्छे तो हाँ बहुत। मेरा बच्चा लोग भी कुछ नहीं खाया, 10:30 बज गया है, दोनों कुछ नहीं खाया। अरे अरे बाप, मेरा कहना था जो प्लीज जब कोई माँ नहीं बना है, थक गए हैं आप लोग जो हाँ उम्मीद छोड़ दिए हैं, तो उम्मीद मत छोड़िए, एक बार हमसे आके जरूर मेरा यूट्यूब का माध्यम में आप लोग आके हमसे कॉन्टैक्ट करिए। ठीक, हम उतना अच्छे से बोल नहीं पा रहे, ठीक मतलब भूख लग गया बहुत कस के हमको, 10:30 बज गया, पूजा होगा प्रसादी खाएंगे तब है। तो बस यही मेरा कहना का है यहाँ से, लेकिन गाइस खाली हाथ नहीं जाइएगा, ये गारंटी है। और जो उड़ीसा जो दवाई जो खा रही है, पहले हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे इसलिए हम इस सब के बारे में हम नहीं बताएं। तो उसका मतलब मेरे ब्लॉग का उसका दवाई दुर्गा पूजा का आगे, लेकिन दुर्गा पूजा क्या मतलब रथ का आगे, ठीक सावन का आगे वो दवाई लेके गया है यहाँ से, लेकिन हम ब्लॉग नहीं बना रहे। तो वही 1-1.5 महीना का बाद से हम ब्लॉग बनाने लगे। तो बस यही बोलेंगे जो मेरा ब्लॉग देखिए, प्लीज़ इसका जो कोई मतलब आप लोग का है जो नहीं हम बच्चा मेरा नहीं हो रहा, हमने यहाँ दिखलाएं वहाँ दिखलाएं, तो प्लीज़ एक बार हमको कमेंट में बताइए, हम आपको पूरा एड्रेस देंगे। आप लोग आइए यहाँ से दवाई लेके जाइए, यहाँ लाना तक मेरा जिम्मा आप लोग का, एकदम इतना ही बोलें। क्योंकि माँ बनना वो तो हम जानते हैं, जब मेरा बच्चा नहीं हो रहा था तो कैसा लग रहा था, सिर्फ रोते थे जो कब होगा कब होगा। तो ये माँ का कृपा है जो मेरा 2 बच्चे मेरा बाबू यहीं से हुआ है, माही और रीक मेरा जो देख भी करते कितना शैतान है। तो चलिए पूजा होने दीजिए और फिर घर जाएंगे। देख आज घर जाने में हम लोग 1-1.5 बच्चा है, मैं दोनों बच्चा कुछ भी नहीं खाया। तो चलिए गाइस मंदिर में हम दिखा रहे, फाका मिलेगा तो हम अंदर जाएंगे, किसी को डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे, वहाँ पूजा हो रहा और 2 पाठ आज बलि होगा, लेकिन यहाँ सब मानसिक का है। चलिए गाइस तो पूजा हो गया है, तो अब हम लोग चलेंगे घर प्रसादी लेके। मेरे बाबू को भूख लग गया बहुत, कैसे वहाँ पाठा बली हो रहा है, हमको पाठा बली देखने में एकदम अच्छा लगता, खराब लगता मन रिक भोग खबे खिदा लगी गई छे जोड़िया के भोग खबे। अरुण मेरा टोटो में बैठा ले नहीं आया, भोग खबे हाँ देखते है। हम जो गाड़ी का हमको नहीं पता था कहाँ से टाटा से आया वो गाड़ी, समझ रहे कहाँ कहाँ से आता प्रसादी, जरूर माँ पूरा कर रहा तभी ना गाइस सब आ रहा है। तो टाटा से हम सुन का वाक हो रहा है टाटा से। तो गाइस प्लीज़ हम फिर हम एक बार बोल रहे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीज़ इस सब का किसी का भी मुसीबत हो तो हमको आके बोलिए, हम यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, माँ बनना तो अपने बाप सबसे ज़्यादा खुशी का बात है। हाँ गुराजा, तो चलिए गाइस हम लोग निकल गए, इन लोग को प्रसादी भी खिला दिए। देख रहे दोनों बच्चा मेरा सो रहा था, इतना वहाँ खेला कुछ कहने के लोग थक गया। तो हम लोग अब जा रहे घर के लिए निकले हैं, तो प्लीज
मेरा किसी को भी दरकार होगा यहाँ तो देख के पाक के पाया चलिए तब मेरा ब्लॉग इतना ही आज हम खत्म कर रहे हैं। कल एक नए ब्लॉग में हम मिले, तक के लिए बाय। प्लीज मेरे चैनल में जो नया है सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यहाँ सब कहीं नहीं जाना, घर जाना, इसलिए चलिए बाय।